अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। इस वर्ष का जो थीम है वह है योगा फॉर ह्यूमैनिटी, जिसका अर्थ है मानवता के लिए योग। योग एक शारीरिक, मानसिक या आध्यात्मिक अभ्यास है जो भारत की देन है, जो जीवन के पूर्ण तरीके को वर्णित करता है। योग सिर्फ एक्सरसाइज के बारे में नहीं है, बल्कि एक समझ को विकसित करते हुए खुद को पहचानने का जरिया है। देखिए, इस समय जो समय हुआ है उसके अनुसार अगर यही ठंडी का मौसम रहता तब अंधेरा हो चुका रहता। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रत्येक वर्ष 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मान्यता दी और 21 जून 2015 को प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। प्रथम बार विश्व योग दिवस के अवसर पर 192 देशों ने योग का आयोजन किया, जिसमें 47 मुस्लिम देश भी शामिल थे। 21 जून को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्राचीन भारतीय कला के लिए एक अनुष्ठान है। हमारे दैनिक जीवन में योग को जन्म देने से हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ सकता है। योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के युज से हुई है, युज YUJ, जिसका मतलब होता है आत्मा का सार्वभौमिक चेतना से मिलन। योग लगभग 10,000 साल से भी अधिक समय से अपनाया जा रहा है। वैदिक संहिताओं के अनुसार तपस्वियों के बारे में प्राचीन काल से ही वेदों में इसका उल्लेख मिलता है। योग की महिमा और महत्व को जानकर इसे स्वस्थ जीवन शैली हेतु बड़े पैमाने पर अपनाया जा रहा है, जिसका प्रमुख कारण है व्यस्त, तनावपूर्ण और अस्वस्थ दिनचर्या में इसके सकारात्मक प्रभाव। वर्तमान में योग को शारीरिक, मानसिक व आत्मिक स्वास्थ्य व शांति के लिए बड़े पैमाने पर अपनाया जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए कुछ पारंपरिक योगासन हैं, इसे आप पढ़ करके स्वयं करिएगा और योगासन करते समय प्रमुख सावधानियाँ जरूर रखिएगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा? चैनल को सब्सक्राइब करना आपके ऊपर है। सुझाव जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। 6:49 हो रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।